तो भैया आप सभी को पहले दिल से राम राम। मैं मुकेश चंद्र गुण, नोएडा भारत से। और आज एसी कंप्रेसर, कई बार हमारी गाड़ी का कूलिंग नहीं होता है सही से, तो चेक कराते हैं और एसी वाले जो रिपेयरिंग करने वाले वो कहते हैं कंप्रेसर ख़राब है। तो कंप्रेसर ख़राब है, बदलवा देते हैं, कंप्रेसर पुराना स्पेयर में रह जाता है। एसी कंप्रेसर बदलने का कौन कौन से लक्षण आने की वजह से एसी कंप्रेसर बदला जाता है, एसी कंप्रेसर के अंदर खराब क्या होती है यार, ये भी आज जानेंगे। एसी कंप्रेसर रिपेयर होता है कि नहीं, और एसी कंप्रेसर की जो रिपेयरिंग है, जो ट्यूनअप है, चाबी पाना से कुछ चेंज करने का अंदर इस कंप्रेसर का, वो कामयाब है कि नहीं है, पहले ये जान लेते हैं कि वो कंडीशन क्या होती है जब एसी कंप्रेसर बदलना पड़ता है। कई बार होता है खड़ी गाड़ी में कूलिंग नहीं आती है और चलती गाड़ी में कूलिंग आती है, तो कंप्रेसर डाउन का निशानी होता है। और सेम टू सेम यही कंडीशन होता है यदि कंडेंसर भी ख़राब हो जाए, जो आगे का कंडेंसर है वो भी ख़राब हो जाए, तभी भी खड़ी गाड़ी में कूलिंग नहीं आती है, चलती गाड़ी में आती है। तो कंप्रेसर और कंडेंसर दोनों को देखना पड़ता है। यदि कंडेंसर ज़्यादा डेड है तो कंडेंसर चेंज करके हो जाएगा, आपका कूलिंग आ जाएगा, लेकिन कंडेंसर लगता है कि बिल्कुल न्यू है, गैस प्रॉपर है, तभी भी खड़ी गाड़ी में कूलिंग नहीं कर रही है, तो आपका एसी कंप्रेसर ख़राब है। पहला कि खड़ी गाड़ी में कूलिंग ना हो, कंप्रेसर डाउन है। दूसरा, इस लाइन में काली खा जाए तो भी कंप्रेसर बदलना पड़ता है, काली खा जाए तो। तीसरा, यदि लीकेज हो, कहीं से लीक कर जाए, गैस लीक करे एसी कंप्रेसर से, तो भी बदलने का चांस होता है एसी कंप्रेसर को। और चौथा, यदि एसी कंप्रेसर में भी आवाज़ आ जाए, ज़्यादा साउंड आ जाए, नॉइज आ जाए बहुत ज़्यादा, तो उस कंडीशन में इसे बदलने की ज़रूरत पड़ती है एसी कंप्रेसर को। ठीक है, अब ये जान लेते हैं कि बदलते हैं जो कंप्रेसर तो उसमें ख़राब क्या होती है। तो पास में लेके आओ, हम इसको बखेर के देखेंगे कि इसके अंदर ख़राब क्या क्या चीज़ें होती है, किस कंडीशन में ख़राब होता है। तो थोड़ा पास में लेके आओ ज़रा, और थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। देखो, एसी कंप्रेसर बैरिंग ख़राब हो जाए, ये वाला पुल्ली का, तो ये चेंज हो जाता है बैरिंग, बदलने की ज़रूरत नहीं कंप्रेसर को। ये क्लच होता है, ये मैग्नेट क्लच है, चूँकि ये चिपकाता है, जैसे वोल्टेज पाएगा ये चिपक जाता है मैग्नेट, तो मेन सापट है और कंप्रेसर का मेन सापट है, ये काम करने लगता है, इंजन के साथ घूमने लगता है। तो ये क्लच ख़राब हो जाए तो भी ये क्लच चेंज हो जाता है बाहर बाहर से, यानी क्लच और बैरिंग, ये पुल्ली ख़राब हो जाए तो ये चेंज हो जाता है, ना कि हमारा कंप्रेसर चेंज करना पड़ता है। तो ये कंप्रेसर चूँकि, और ये सेक्शन पाइप है, यानी गैस इधर से आता है और इसके अंदर कंप्रेस होता है गैस, और उस कंप्रेस करके इसीलिए कंप्रेसर नाम पड़ा है। इस सेक्शन पाइप से गैस आता है, लो लाइन कंप्रेस करता है गैस को और प्रेशर के साथ आउटपुट देता है ये वाले लाइन। तो कभी भी सेक्शन पाइप थोड़ा मोटा होता है, एग्जॉस्ट पाइप पतला होता है, ये बाहर निकलने वाला पाइप है थोड़ा छोटा ही रहता है, ध्यान रखना, हार्ड होता है, कई बार ये नहीं खुलता है, ये खुल गया। इसको रखते हैं साइड में। अरे है, अरे क्या बात है भाई, एक क्लच होता है भाई, एक क्लच होता है और एक ख़राब हो जाए तो भी, ये बहुत ज़्यादा स्क्रैचेज हो जाए तो भी ये क्लच ख़राब माना जाता है। तो ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद से ऐसे तो निकलेगा नहीं, ये लॉक है तो इसको बाहर निकालना पड़ेगा, क्लियर करते जाना भाई। ये ध्यान देना होता है, आँख वाँख पे ना लग जाए। इसको रखता हूँ मैं यहाँ, बोल्ट को रखता हूँ यहाँ, और ये जो है मेन क्लच का सिस्टम है, ये इससे कनेक्ट रहता है, यानी इंजन के अंदर का, ये पिस्टन का चलाता है कंप्रेसर का, और ये इस गरारी के साथ कनेक्ट रहता है, देखो, और ये अलग है, ये अलग है। तो ये चिपकेगा तो पूरा कंप्रेसर चलेगा। और इसको चलाता कौन, ऑपरेट कौन करता है, ये आपका स्विच, ये वायरिंग है चूँकि यहाँ, और इसमें 12 बोल्ट जब सप्लाई दी जाती है 12 बोल्ट की, तब ये क्लच काम करता है और पूरा घूमने लगता है इंजन के साथ में। लेकिन हम इसको, अरे क्या बात है, अरे शाबाश, बड़ी निकलता नहीं है हालांकि, लेकिन निकल गया ये पता नहीं आज कैसे निकल रहा है इतना सारा। ये बैरिंग होता है, कभी भी कंप्रेसर का अब साउंड करे तो उसमें ध्यान देना होता है कि साउंड क्या कर रहा है, बैरिंग कर रहा है या अंदर कंप्रेसर। तो पहले बैरिंग करता हो तो ये बैरिंग चेंज हो जाते हैं आसानी से, देख रहे हैं ना, बैरिंग को इधर से चोट मारेंगे तो बैरिंग निकल जाएगा, बैरिंग चेंज हो जाता है यदि बैरिंग ख़राब हो तो। अब क्लच, ये होता है मेन क्वायल, देख रहे हैं ना क्वायल, ये क्वायल होता है और इसी क्वायल की वजह से, ये मैग्नेट की वजह से ये चिपकता है अंदर। ठीक है,
तो ये इसको इस गरारी को चला देता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक नीचे लोक दिख रहा है मेरे को, तो लोक निकालना पड़ेगा। अरे उधर उधर एक सॉकेट तेरे भाई, एक सॉकेट दो सॉकेट, इसके लोक बाहर निकाल दी। अब इसको ये होता है क्वायल, ठीक है। अभी क्वायल एक अर्थ होता है और एक मेन आता है, तो दो से काम करता है क्वायल। तो मैं इसका कपलर कोशिश करता हूँ डिस्कनेक्ट करने की। बस एक कपलर से डिस्कनेक्ट कर दिया, यही होता है मेन क्वायल और ओरिजिनल क्वायल है भाई, पता नहीं सही भी हो सकता है क्वायल। तो इसको दोनों आइटम को मैं रखता हूँ इसमें, यानी आगे का सिस्टम कंप्रेशर के बाद से ये सिस्टम होता है आगे का, ठीक है। ज़्यादातर कैसे में साउंड जो होती है बैरिंग की होती है, नहीं तो कॉयल खराब हो जाए तो आपका एसी ट्रिप मारने लगता है, बार बार छोड़ता है, पकड़ करता है, तीन सारी चीज़ों को ध्यान देना होता है। ये प्लेट में बहुत ज़्यादा स्क्रैचेज हों तभी भी ये एसी ट्रिप मारने लगता है, काम नहीं करता प्रॉपर। तो ये सारे आइटम हमने खोल दिए, ये कंप्रेसर से अलग है। अब मेन आ जाओ इस पर, 8 नंबर के सॉकेट से ये खुलेगा और इसको यहाँ लगा लेता हूँ ताकि ये खोलने में आसानी होगी। एक ये बोल्ट पे देख रहे हैं मामला कुछ गड़बड़ गड़बड़ सा, ऑयल ऑयल सा आ रहा है, हैं? बोल्ट पे वो कुछ ऑयल ऑयल सा आ रहा है, काली काली सी आ रही है मेरे को। एक केस है और इसको मैं रखता हूँ साइड में। ये है भाई पैकिंग। अबे भाई किधर से निकलेगा ये केस की पैकिंग है और ये भी लोहे की पैकिंग है भाई, इसको भी खोलना जरूरी है। और ये आइटम खुल गया नीचे से, ये दिखाओ है, सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड खुल गया भाई, चाहे बोल्ट खोला और सिलेंडर हेड की ये पैकिंग, क्या बात है। सिलेंडर हेड ये सील देखे, सापट की सील है अंदर, सापट की सील क्लिक करती है ज़्यादातर केसेज में जब गैस बार बार कंप्रेसर से लीक होता है, तो ये सापट की सील लीक करती है। ये छोटा बोल्ट है, इसको रखो साइड में, क्योंकि जो ये छोटे वाले से कहानी बनती नहीं है। नमस्कार जी, क्या हाल चाल है? जरा इसे देखना। ये भाई हमने खोल दी सिलेंडर हेड, ये जो देख रहे हैं ये मेन सापट है, ठीक है। और ऐसे चलते हैं, ये प्रेशर को प्रेशराइज करते हैं, कोई भी लो प्रेशर को हाई प्रेशर में बदलते हैं। अभी मैं इसको भी खोलूंगा, लेकिन ये गाड़ी आ गई है, मैं सर की गाड़ी पहले चेक कर लूं, उसके बाद से मैं इसे बखेरता हूं। जल्दी, आज कोई नहीं है, दशहरा छुट्टी है। क्यों सर, कौन सी गाड़ी आपकी? अब इसको भी खोल के निकालते हैं, देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। तो पहले ये वाली प्लेट निकाल लें। आ जा रे, आ जा आ जा आ जा आ जा। ये देखो, ये लो प्रेशर का स्लिप सिलेंडर है, ये लो प्रेशर का हमेशा बड़ा रहता है। अब हाई प्रेशर का स्लिप सिलेंडर इसके अंदर रह गया, तो इसको भी निकालते हैं। अरे तेरी यार, ओए भाई क्या था मामला यार। तो हमने भाई बटोर लिए, चूंकि बिखर गया था ये आइटम, ठीक है। अब बटोर ली और ये ग्लासी बिखर गई थी। अब मैं ग्लव्स को निकालता हूँ इसलिए, क्योंकि बारीकी का काम है। ओवल प्लेट, ठीक है, और ये सारा जितने ओवल प्लेट है ना, ये बिखर गए थे। अभी ये वर्किंग कैसे करता है ये समझिए। ये आपका ये लाइन इनपुट का है सेक्शन पाइप है, ये आउटपुट का है प्रेशर पाइप है, पतला वाला पाइप आउटपुट, इनपुट पाइप मोटा वाला। अब यहाँ बारीकी से थोड़ा समझ लेते हैं ये वर्किंग क्या है। ये वाले पाइप में आया सेक्शन, आया सेक्शन, आया किस में? इस वाले पाइप से इधर निकला। ये देखो, ये देखो उंगली दिख रही है ना, ठीक है ना। तो यानी ये सेक्शन पाइप से इधर निकला, यानी आउट, ये आउट में आया, आउटपुट में बार बार आया आउटपुट। गैस आउटपुट इसमें आ गया, खींचा इस वाल के थ्रू अंदर चला गया, और जब दबाया कंप्रेस किया
तो इस वाल के थ्रू बाहर आ गया, इस वाल के थ्रू बाहर आ गया, यानी खींचा तो इससे गया और आया इस वाल के थ्रू, इसमें वाल लगा हुआ है। देखो सेक्शन किया, आउटपुट दिया, अब फिर जब सेक्शन करना होगा तो ये आउटपुट बंद हो जाएगा, ये सेक्शन कर लिया, ये वाल खुल जाएगा, ये बंद हो जाएगा। तो जब आउटपुट क्या हो गया, इसके अंदर आया, ठीक है, किसके अंदर आया, इसके अंदर, यानी अंदर इसके आया आउटपुट, जो कंप्रेशर होके गैस, अब कंप्रेशर होके गैस आया आउटपुट, तो कहाँ निकला, इधर निकला, यानी इधर कहाँ, इसमें गया, देख रहे हैं ना, इसमें, तो इस सुराख में हमारा आउटपुट आया, ये वाला सुराख, ये वाले सुराख को देखते हैं कहाँ जा रहा है ये, तो ये वाला सुराख जा रहा है, ये देखो इसमें जा रहा है, ये वाले सेक्शन में, ठीक है, ये सेक्शन चूंकि बंद है, ये वाला सेक्शन का लाइन इधर है, ये वाला सेक्शन का लाइन इसमें है, ये देखो इसमें, तो आउटपुट कंप्रेस बन के कहाँ आया, इसमें आया, इस वाले लाइन में। तो अब इसको हटा देते हैं, साइड में करते हैं, अब इसको पकड़ते हैं, हमारा आउटपुट इस वाले लाइन में आ गया, तो ये वाला लाइन कहाँ मिलता है, आउटपुट कंप्रेसर का हाई लाइन पाइप में जाता है, देखो पतला वाला पाइप, यहाँ पास से दिखाओ जरा, ये देखो, ठीक है, तो आउटपुट इससे इसमें आया और इससे आउटपुट होकर बाहर चला गया, सेम कंडीशन प्रोसेस वही इधर है, इधर भी दिखाओ, आउटपुट यहाँ से अंदर से सेक्शन पाइप हुआ, बाहर वाले में आया, बाहर से फिर सेक्शन किया, अंदर गया, फिर उससे प्रेशराइज किया, तो इस वाले गोलाई में आया, गुंबद में, और ये वाल देखो, इसमें भी एक वाल लगा हुआ है, ऐसा नहीं, इसमें भी वाल है, तो इस वाले सेक्शन में आ गया, छोटे वाले सेक्शन में, छोटा वाला सेक्शन क्या है, ये देखो छोटे वाले में आ गया, फिर इसको आउटपुट दे दिया बाहर, तो आउटपुट दिया है किसको, इसको बाहर दिया है, देखो ये आउटपुट है, और ये आउटपुट कहाँ जा रहा है, ये देखो इसमें जा रहा है, और ये आउटपुट, ये वाली गुलाई कहाँ निकल रही है, ये एग्जॉस्ट वाले पाइप में निकल रही है, तो ये इसका वर्किंग है। ख़राब क्या होती हैं, ये देखो पिस्टन ख़राब हो जाते हैं, टेफनोल कोटिंग होती है, एक टेफनोल कोटिंग, और पास में लेके आओ, पब्लिक को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, जितने सब्सक्राइबर व्यूअर हैं, ये जो देख रहे हैं ना टेफनोल कोटिंग, ये टेफनोल कोटिंग ख़राब हो जाती है, यही कंप्रेशर को रोकता है टेफनोल कोटिंग, और जब ख़राब हो जाएंगी तो ये स्क्रैचेज पड़ जाएंगे, सीज हो जाती हैं, देख सकते हैं आप, और जब सीज हो जाएंगी तो इसके अंदर से कंप्रेशर, जो प्रेशर बनाना चाहिए वो प्रेशर ही नहीं बना पाएगा, जिसकी वजह से गाड़ी कूलिंग ही नहीं करेगी खड़ी गाड़ी में, और जब हम रेस देंगे भगाएंगे तो बहुत ज़्यादातर करके यूज होगा, ये बहुत स्पीड से चलेगा तो थोड़ा बहुत कूलिंग कर भी देता है, तो यानी ये ख़राब हो जाए एसी कंप्रेशर के अंदर, यही ख़राब होता है ज़्यादातर करके, तो बदला जाता है, पिस्टन ख़राब हो जाते हैं, सीज हो जाते हैं पिस्टन, ये भी सीज हुआ पड़ा है पिस्टन, ये भी सीज हुआ पड़ा है पिस्टन, तो ये पूरा टेफनोल कोटिंग, ये देख सकते हैं एक स्पेशल टेफनोल कोटिंग देता है, जिसकी वजह से कंप्रेशर पूरा लीक ना करे, जैसे सिलेंडर का पिस्टन रिंग कट जाता है तो धुआं देने लगती है, पिकअप नहीं आता है, वैसे इसमें इसका भी पिकअप नहीं आता है, कूलिंग नहीं आ पाती है, तो ये पिस्टन सीज हो जाए तब कूलिंग नहीं आती है, स्लीव इसके सीज हो जाए तब, ये जो स्लीव है इस पर बहुत सारे लाइनें हैं, तो पास में थोड़ा करके दिखा लो, ये स्लीव सीज हो जाए तो भी ये ख़राब हो जाता है, ख़राब माना जाता है, थोड़ा दूर करो, ये सील लीक कर जाए तो गैस लीक कर जाएगा, तभी भी कूलिंग काम नहीं करेगा, ये जो वाल है इसके वाल ख़राब हो जाएंगे या फिर वाल की सील ख़राब हो जाएगी तो भी प्रॉपर काम नहीं करेगा, और क्या है, ये स्लीव है ही है, ये हाई या लो लाइन की दोनों की, तो ये तो ख़राब होने से, ये कंप्रेशर में ये आइटमें ख़राब होती हैं, जिसकी वजह से बदला जाता है, रिपेयरिंग चलेगा कि नहीं, रिपेयरिंग सक्सेस है कि नहीं, तो रिपेयरिंग में क्या चल सकता है क्या नहीं चल सकता ये समझ लीजिए, एक बार कंप्रेशर खुल गया तो सबसे बड़ा जो चुनौती रहता है रिपेयरिंग में वो लीकेज का रहता है, ये देखो पैकिंग है ना, ये पैकिंग, ये वाला पैकिंग, ये वाली देख रहे हैं कितनी पैकिंग है, पैकिंग है इसके अंदर, ये देखो सारी पैकिंग है, देख रहे हैं ना ये पैकिंग, ये लीकेज ही नहीं रुक पाता है रिपेयरिंग में, सबसे माइनस पॉइंट है ये, रिपेयरिंग तो कर देते हैं लोग बाग, रिपेयरिंग में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा वो भी बात करूँगा, तो ये काम नहीं करते हैं, बिल्कुल कामयाब नहीं होते हैं, रिपेयरिंग में क्या चल जाएगा क्या नहीं चलेगा वो समझ लीजिए, सबसे पहले यदि ये सील ख़राब हो जाए या फिर ये बैरिंग टूट जाए, क्या बोलते हैं, कहाँ गया इसकी अंदर की ये जो नीडिल वा बैरिंग है, नीडिल बैरिंग अंदर में है, ये बैरिंग टूट जाए तब चेंज कर देते हैं कई लोग बैरिंगों को, लेकिन जब खोलते हैं तो ये सील ही नहीं कर पाते हैं प्रॉपर तरीके से, और जिसकी वजह से रिपेयरिंग नहीं चलता है, पिस्टन सीज हो जाए तो रिपेयरिंग नहीं करते हैं चेंज करते हैं, पिस्टन सीज हो जाए तो चेंज करते हैं उस कंडीशन में, क्योंकि ये रिपेयरिंग नहीं हो पाता है, क्या रिपेयरिंग करेंगे इसमें, लेकिन सील ख़राब हो जाए,
बैरिंग आपका नीडिल बैरिंग ख़राब हो जाए, टूट जाए। ये वाले दो बैरिंग है केम का, दिखाता हूँ। ये देखो दो बैरिंग, ये बैरिंग है नीडिल बैरिंग, ये टूट जाए, ये सीज हो जाए, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं बस। तो रिपेयरिंग सक्सेस इसीलिए नहीं होता क्योंकि माइनस पॉइंट रिपेयरिंग में वो कामयाब ही नहीं हो पाता है। अरे कौन है ओ छोटू, थोड़ा थम जा यार, उधर जाकर बजा लिए, मेले का टाइम है ना, बच्चे बजा रहे हैं पूँ पूँ करके। तो ये लीकेज नहीं रुक पाता इसलिए रिपेयरिंग सक्सेस नहीं है, चलेगी ही नहीं, रिपेयरिंग चलेगा नहीं। तो ये एसी का कुछ सिस्टम रहा, हमने ज़िंदगी में पहली बार खोली, हमने समझा इसको कि आखिर क्यों लोग बाग चेंज कर देते हैं। कभी भी कंप्रेसर ऐसे डाउन हो जाए, पिस्टन सीज हो जाए, तो कभी भी रिपेयरिंग मत करवाइएगा, आपका पैसा वर्थ जाएगा। अब रिपेयरिंग नहीं कराएं तो दो ऑप्शन बताइए चेंज का, तो चेंज हम नहीं लगवाना चाहते 15,000 का, तो क्या करें? तो आप सेकेंड हैंड मार्केट से ले आके भी लगवा सकते हैं, और सेकेंड हैंड में देखना पड़ता है कि इसकी लाइनों में कालिख तो नहीं है, कालापन तो नहीं है। यदि लाइनों में कालापन है तो किसी काम का नहीं, वो डेड है। लेकिन कालापन नहीं है, कालापन नहीं है तो फिर आप दूसरा डाल सकते हैं, नहीं तो ये ख़राब हो गया कंप्रेसर एक बार, तो मैं आपसे कहूँगा कि एक बार पैसे लगाओ, इसे चेंज कर दो। कंप्रेसर चेंज करना कलाकारी नहीं है, कंप्रेसर चेंज कर दिए दोबारा डेड हो सकता है। कंप्रेसर के साथ कुछ पॉइंट हैं जो ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो आपका कंप्रेसर डेड हो सकता है दोबारा से चेंज कराने के बाद। वो क्या है, कंप्रेसर ख़राब हो गया चेंज कर दिए, इसके साथ में जो ड्रायर बोतल है वो बोतल चेंज होगा, कंडेंसर क्लीन कर सकते हैं, कंडेंसर को क्लीन होगा, कूलिंग कॉयल वो क्लीन होगी या फिर चेंज होगी डेड हुआ तो। पूरी एसी की लो लाइन, हाई लाइन, एक्सपेंशन वाल, ये सारे चीज़ क्लीन होंगे अच्छे से, और बहुत बढ़िया क्लीन होंगे तभी ये कंप्रेसर कामयाब होगा, वरना कंप्रेसर कामयाब बिल्कुल भी नहीं होगा, कंप्रेसर फेल होने के चांसेज होंगे। यही रहा एसी का कंप्रेसर, कभी भी ख़राब हो जाए उसको चेंज करो, पूरी लाइन को क्लीन करो, ठीक है। यदि आपको लगती है कि कुछ जानकारी इसमें सही है तो वीडियो को लाइक करके औरों को बता सकते हैं, शेयर करके, चाहे आपके यार दोस्त लंगोटिया यार होगा भतेरे, शेयर करके औरों को बता सकते हैं। यदि आपको लगता है कि जानकारी सही नहीं है तो डिसलाइक मार के यहीं वीडियो को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दशहरे का टाइम है तो आप इंजॉय कीजिए मेले का, रावण जैसे रावण को ख़त्म किया जा रहा है, यानी बुराई पर अच्छाई की जीत हो रही है, इसलिए अपने बुराइयों पे अच्छाई की जीत लाइए, अपने अंदर से एक एक करके बुराई को हर साल को डैमेज कीजिए, ख़त्म कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए।